हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुशील दुबे है और आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है उसमें हम फॉर्म डिज़ाइनिंग के बारे में देखेंगे। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो कि सबसे कॉमन प्रोजेक्ट होता है, जिसका डेटा वगैरह जो है सभी कुछ आसानी से स्टूडेंट्स को समझ में आता है, उसकी फॉर्म डिज़ाइनिंग हम देखेंगे। इसके पहले मैंने दो वीडियोज़ आपको और पोस्ट की हुई है जिसमें आपको प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, डेटा कलेक्शन, फिजिबिलिटी स्टडी, ईआर डायग्राम और डेटाबेस क्रिएशन के बारे में बताया गया है। ये सारी चीज़ें होने के बाद हम फॉर्म डिज़ाइन करना तैयार करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम फॉर्म डिज़ाइन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो फॉर्म डिज़ाइन की जो हमारी क्लास थी ये आज हम इसमें करेंगे, और एक छोटा सा जो रिव्यू है पिछले ले लेते हैं। इसमें हम फॉर्म डिज़ाइन के पहले हमने क्या क्या किया उसको धीरे से समझ भी लेते हैं, ताकि जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं उनको हल्का फुल्का समझ में आ जाए। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हमने कुछ इस प्रकार से डेटा कलेक्ट किया हुआ था, जिसमें हमने आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट का, बुक का और इशू रिटर्न का डेटा यहाँ पर हमको मिला था। तो हमने उसको डेटा को इस प्रकार से टेबल्स में क्रिएट कन्वर्ट कर लिया था। तो उसके बाद हमने ये सारे डेटा को MS Excel में बना लिया, ये हमने पिछली कक्षाओं में देख रखा है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका डेटाबेस जो है वो बन के रेडी है। डेटाबेस बनने के बाद फॉर्म डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से होगी, वो हम देख लेते हैं। और डेटा कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर विजुअल बेसिक 6.0 में हम एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग डेटाबेस तैयार कर लिया है। और सबसे पहले हम विजुअल बेसिक 6.0 में लॉगिन फॉर्म तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमने दो टेक्स्ट बॉक्स, दो लेबल और दो कमांड बटन यहाँ पर हम रेडी कर रहे हैं। अब देख पा रहे हैं कि लेबल 1 का जो कैप्शन है हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, जिसमें यूज़र नेम और यहाँ पर हम उसको पासवर्ड लिख रहे हैं, ताकि वो हमको दिखाई दे कि इस तरीके से वो डिस्प्ले होता है। टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है उसको हम ब्लैंक कर रहे हैं, और टेक्स्ट बॉक्स 2 का भी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके थ्रू हम उसको ब्लैंक कर रहे हैं। साथ ही साथ कैप्शन यूज़ कैप्शन प्रॉपर्टी जो थी बटन 1 की और बटन 2 की, उसको भी हमने चेंज कर दिया। अब ये हमारा जो फॉर्म है वो बिल्कुल लॉगिन फॉर्म जैसे दिखने लग गया, बट ये सेंटर पे नहीं आ रहा है। आप रन करके देख रहे हैं तो ये सेंटर पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि रन करना है तो उसको सेंटर लोकेशन पे लाना है, तो हम उसकी स्टार्टअप पोजिशन नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जो आप प्रॉपर्टी विंडो में देख पा रहे हैं, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको इसकी जो स्टार्टअप पोजिशन है उसको सेंटर स्क्रीन सेट कर सकते हैं। स्टार्टअप पोजीशन सेंटर स्क्रीन सेट करने के बाद जब भी आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका जो लॉगिन फॉर्म है वो सेंटर पर दिखाई देगा। देखिए आपका फॉर्म जो है वो सेंटर स्क्रीन पर आ गया है। तो हमारा एक फॉर्म बन के रेडी हो गया है, जिसको हम लॉगिन फॉर्म बोलेंगे। इसमें हम कोई यूज़र नेम, अब आप देख रहे हैं कि पासवर्ड देने पर वो पासवर्ड विजिबल हो जा रहा है। तो इस पासवर्ड को हम यहाँ से मास्किंग टेक्निक के द्वारा, यानी टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम पासवर्ड की पे मास्किंग कर सकते हैं, यानी कि जब आप पासवर्ड लिखेंगे तो उस पर वो चीज़ डिस्प्ले नहीं होगी बल्कि स्टार या एस्ट्रिक जैसा साइन दिखाई देगा। चलिए इसमें देखते हैं, हम पासवर्ड कैर नाम का एक प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पर हम स्टार सिंबल या जो भी सिंबल आपको देना है वो आप दे सकते हैं, वो मास्क कर देता है। तो मैंने पासवर्ड कैर पे स्टार जो है वो सेट कर दिया है। स्टार सेट करने के बाद आप देखेंगे कि एग्जीक्यूट करने के बाद जब आप यूज़र नेम देंगे और पासवर्ड देंगे तो ऐसा स्टार जैसा दिखाई देगा। तो ये हम टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी के द्वारा हमने सेट किया। तो हमारा एक फॉर्म का डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया, बट कोड नहीं हुआ है इसलिए क्लिक करने पर ये काम नहीं कर रहा है। चलिए हम इसका कोड भी कर लेते हैं। क्लोज बटन का सिंपल कोड होता है कि हम एंड लिखते ही जो है हमारा फॉर्म है वो एंड हो जाएगा, यानी कि एग्जीक्यूशन एंड हो जाता है। और टेक्स्ट बॉक्स में जो है हम टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट है उसकी वैल्यू हमने सेट कर दी है। हम चेक कर रहे हैं कि अगर टेक्स्ट 1 की वैल्यू 123 है और टेक्स्ट 2 की वैल्यू भी 123 है। अब मैंने यहाँ पर 123 और 123 सिंपल पासवर्ड सेट कर रखा है, ऐसा होने पर क्या होगा। देन हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा दिए कि MDI फॉर्म 1 जो है वो शो होगा। अगर नहीं होता है, साथ ही साथ MDI फॉर्म 1 शो होने के अलावा वो खुद को हाइड भी कर लेगा। अगर MDI फॉर्म शो नहीं होना है, यानी कि पासवर्ड गलत है, तो एक मैसेज बॉक्स आएगा जिसमें इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, इस तरीके का कोई भी आप मैसेज जो है यूज़र डिफाइंड मैसेज आप दे सकते हैं। तो मैंने इस तरीके का मैसेज यहाँ पर दे दिया है। साथ ही साथ आप इसमें मैसेज बॉक्स की जो टाइप है जैसे VB इन्फॉर्मेशन और टाइटल भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने अपने प्रोजेक्ट का टाइटल यहाँ पर दे दिया ताकि मैसेज बॉक्स में वो टाइटल डिस्प्ले करे। अब आप देखेंगे कि इफ को हम बंद कर सकते हैं एंड इफ से।
तो हमारा जो कोड है वो रेडी हो गया है, जो कि लॉगिन करने के लिए रेडी है, और MDI फॉर्म 1 जो है हमको बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक MDI फॉर्म 1 जो है वो बना लिया। इसका नाम सेम वही होना चाहिए जो आपने कोड में रखा है, या कोड में सेम वही नाम रखना है जो आपको यहाँ पर रखना है। तो मैंने सेम नाम कर दिया। देखिए, मैं एग्जीक्यूट करने के बाद करेक्ट ID एंड पासवर्ड दे रहे हैं, तो ये फॉर्म 1 जो है उसके बदले MDI फॉर्म जो है डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर MDI फॉर्म 1 जो है आप देखेंगे कि पूरी स्क्रीन पर नहीं आ रहा था, तो मैं इसे पूरी स्क्रीन पर लाने के लिए क्या करूँगा, विंडोज स्टेट नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें मैक्सिमाइज नाम का एक ऑप्शन होता है, जिसको सेट करने से आपका जो स्क्रीन है वो MDI फॉर्म में वो फुल स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये आपका जो फॉर्म है वो फुल स्क्रीन पर आने वाला है, ये आपका MDI फॉर्म रेडी हो गया है। इसके बाद अगला स्टेप है, आप मेन्यू तैयार करेंगे। मेन्यू तैयार करते के लिए आपको मेन्यू एडिटर का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि PGDCA के सेकेंड सेमेस्टर में आप इधर बेसिक में पढ़ रहे होंगे कि मेन्यू एडिटर्स क्या होते हैं। मेन्यू एडिटर्स से हम 3 प्रकार के मेन्यू बना सकते हैं, मेन मेन्यू, सब मेन्यू और पॉपअप मेन्यू। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपना मेन्यू स्ट्रक्चर जो हमने सोच डिज़ाइन सोच रखा है उसको बनाएंगे। यहाँ पर मेन्यूज़ तैयार करने के लिए हम इस तरीके का पूरा डिटेल्स उसमें फिट करते जाएंगे, देन उसमें टैब या इंडेक्सिंग के द्वारा हम अपना मेन्यू तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। मैं आपके सामने एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सिस्टम का एक मेन्यू तैयार कर रहा हूँ। ये सारे मेन्यूज़ हमने बना लिए हैं। आप देख रहे हैं कि लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स आपने बनाया उनके मेन्यूज़ आप यहाँ पे बना रहे हैं। तो इसमें कैप्शन और मेन्यू की ID जो है वो देना होता है। कैप्शन जो टेक्स्ट है वो फॉर्म पे डिस्प्ले होता है, और नेम जो है वो कोड विंडो पे डिस्प्ले होता है। सारे मेन्यूज़ की मैं असल में अब एक लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, और उसको एक ट्री या ब्रांचेज वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दूंगा। वो कन्वर्ट करना काफ़ी आसान होता है। पूरा कन्वर्ट होने के बाद, पूरा बनने के बाद मैं बताऊंगा कि कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है इसको। तो यहाँ पर हम रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या एंट्रीज करनी है वो सब हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। मेन्यूज़ जो है पूरी की तरह यूज़र डिफाइंड होते हैं, और आप अपने तरीके से पूरा मेन्यू जो है गाइड की हेल्प से तैयार कर सकते हैं। बट मेन्यू का इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी इजी होता है। आप देख पा रहे हैं कि बस मेन्यू के नाम और उसका कैप्शन, दो चीज़ों को आपको एक लिस्ट में यहाँ तैयार करना है और उनकी ग्रुपिंग करनी है। तो मैंने ये लास्ट मेन्यू बनाया एग्जिट, और ये मेरा पूरा मेन्यू की लिस्ट नीचे आपको रेडी दिख रही है। अब मैं इनकी ग्रुपिंग करूँगा टैब दे करके, थोड़ा थोड़ा राइट यहाँ पे खसकाते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट डिटेल जो है वो मेन मेन्यू है, और उसके बाद बुक डिटेल्स भी मेन मेन्यू है, देन ट्रांजेक्शन मेन मेन्यू है, और ट्रांजेक्शन के अंदर रिटर्न, फिर रिपोर्ट मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू जो है वो डायरेक्टली आपको स्क्रीन पर विजिबल होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट डिटेल्स, बुक और ट्रांजेक्शन, रिपोर्ट, ये सब चीज़ें जो है आपके मेन्यू तैयार हैं, और जैसे ही आप ओके करेंगे फॉर्म पे मेन्यू डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये मेन्यूज़ और उनकी ग्रुपिंग जो है आपके इस पर डिस्प्ले होने लग गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टूडेंट का हमने डेटा कलेक्ट किया, उसका ER डायग्राम और उसके डेटाबेस को हमने रेडी कर रखा है। अब स्टूडेंट का हम फॉर्म डिज़ाइन किस तरीके से करेंगे, तो एक और फॉर्म लेते हैं हम, और इसका चाहे तो आप यहाँ पर डिटेल्स में नाम भी चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी विंडो के थ्रू हमने इसका नाम रख दिया फॉर्म स्टूडेंट एंट्री। कोड में आपको यही नाम यूज़ करना होगा इसको डिस्प्ले करने के लिए। देन हम यहाँ पर फॉर्म रेडी करते हैं अपना। फॉर्म पे अब क्या क्या कंट्रोल्स आपको डिज़ाइन करने होंगे वो आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में भी देख पा रहे हैं कि फॉर्म्स ऐड हो गए हैं। चलिए, फॉर्म को हम यहाँ पर उसका कैप्शन भी चेंज कर सकते हैं, ताकि यूज़र को भी दिखाई दे कि वो कैसा फॉर्म किस काम के लिए बनाया गया है। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट एंट्री फॉर्म लिख दिया। देन आप इस फॉर्म को कैप्शन के साथ साथ ब्यूटिफिकेशन का काम तो हम साथ में कर ही सकते हैं। फॉर्म
फॉर्म को कैप्शन देने के साथ साथ हम इसकी स्टार्टअप पोजीशन सेंटर स्क्रीन और चाहें तो इसको फुल स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो हमने इसको सेंटर स्क्रीन सेट कर दिया ताकि फॉर्म जो है वो सेंटर पर दिखाई दे। मैंने फॉर्म को रिसाइज किया यहाँ पर। फॉर्म्स पे कंट्रोल को डिज़ाइन करना हम तैयार करेंगे। फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको इजीली दिखाई दे। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि यहाँ पर हम क्या क्या कंट्रोल्स जो हैं वो रेडी करेंगे। तो कंट्रोल्स को रेडी करने के लिए काफ़ी हमको डेटाबेस पे जाना होगा फिर से कि डेटाबेस में हमने क्या क्या चीज़ें बना रखी हैं। ये डेटाबेस ओपन करके देखते हैं। मैंने अपना डेटाबेस ओपन किया। यहाँ पर हम स्टूडेंट नाम का जो टेबल बना रखा है हमने, इसी से रिलेटेड हमको फॉर्म तैयार करना है, एंट्री फॉर्म। तो आप यहाँ देखेंगे कि कितने फील्ड्स हैं यहाँ पर, उतने फील्ड्स को आप यहाँ पर गिन लीजिए। करीब यहाँ पर 6 फील्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। जितने फील्ड होंगे उतने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। तो हम यहाँ पर सारे टेक्स्ट बॉक्स को बनाना चालू करते हैं। इस तरीके से मैंने 2 टेक्स्ट बॉक्स और 6 टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर रेडी कर लिया। साथ ही साथ इन टेक्स्ट बॉक्स के साथ साथ हम उनके लिए लेबल्स भी तैयार कर लेंगे। फॉर्म को टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक कर सकते हैं ताकि जो इनिशियल डेटा है वो यहाँ पर दिखाई दे। यहाँ पर देखिए मैंने सारे लेबल्स को रीनेम करके उनको अलाइन भी कर लिया। तो ये हमारा फॉर्म डिज़ाइन रेडी है। तो फॉर्म डिज़ाइन तभी हो पाएगा जब आपके पास डेटाबेस रेडी है। डेटाबेस में जितने भी कंपोनेंट्स अपने फील्ड्स देखे उनके अकॉर्डिंग फॉर्म डिज़ाइन हमने यहाँ पर कर लिया। साथ ही साथ मल्टी लाइन को ट्रू हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं ताकि एड्रेस जो है वो मल्टीपल लाइंस को एक्सेप्ट करें। ये हमने टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। तो ये हमारा फॉर्म डिज़ाइन यहाँ पे रेडी है। कुछ कंपोनेंट्स के जगह जैसे जेंडर और क्लास है वहाँ पर हमने कम्बो बॉक्स लिया ताकि स्पेसिफिक डेटा जो है वो आ सके। जेंडर में हमने मेल एंड फीमेल का जो लिस्ट प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करके उसमें डिटेल्स दे दी है। तो हमारा कोड जो है रेडी है। अब आप देखेंगे कि फॉर्म MDI फॉर्म के द्वारा यहाँ पर आपको स्टूडेंट एंट्री फॉर्म डिस्प्ले करना है। तो मैंने यहाँ पर उस फॉर्म का नाम डॉट शो लिख दिया। जो भी नाम आप यूज़ करेंगे उसका नाम लिखना है। चलिए रन करते हैं। ये मैंने यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया तो MDI दिखाई दिया। मेन्यू पे जाके क्लिक करने पर नया फॉर्म यहाँ पर डिस्प्ले हो गया और जेंडर मेल फीमेल ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आने लग गई हैं। चलिए कनेक्टिविटी पे आते हैं। अब हमें कनेक्टिविटी करना है तो उसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे और वो कंपोनेंट्स हमारे पास हैं। ये कुछ एग्जिट बटन का कोड है। चलिए हम कनेक्टिविटी पे आते हैं। कनेक्टिविटी करने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। उनको हम ऐड करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट में जाके कंपोनेंट में जाएंगे और ADO DC एंड डेटा ग्रिड कंट्रोल को हम ऐड करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कंपोनेंट में बहुत सारे कंपोनेंट की लिस्ट आ रही है। इसमें आप ADO डेटा कंट्रोल और डेटा ग्रिड कंट्रोल नाम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 2-3 कंट्रोल एक ही जैसे नाम के दिखाई देते हैं। वो आप गलत कंट्रोल ऐड करेंगे तो वो कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ADO डेटा कंट्रोल 6.0 और माइक्रोसॉफ्ट डेटा ग्रिड कंट्रोल 6.0 दोनों को ऐड करना होगा और यहाँ पर टूल बॉक्स से आपको दोनों कंट्रोल्स को यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। चलिए कनेक्टिविटी का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। फॉन्ट साइज़ यहाँ थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इसको हम सेट कर लेते हैं। चलिए हमारा ये प्रोजेक्ट अभी करने को तैयार है। हमने कुछ बटन्स यहाँ पर बनाए हैं। हम इसको कॉपी पेस्ट कर किया जा रहा है, बट आप इसको कॉपी पेस्ट मत करिएगा क्योंकि वो कंट्रोल एरे तैयार कर देता है। जनरली इसको नो करते हैं। तो कुछ 6-7 बटन यहाँ पर हम बनाते हैं। उन बटन का नाम जैसे ऐड, हर फॉर्म पे लगभग कॉमन बटन आप बना सकते हैं। जनरल ये एंट्री का फॉर्म है जिसमें ये सब बटन्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐड, अपडेट, सेव, डिलीट, प्रिंट एंड एग्जिट, सर्च, इस टाइप के बटन्स की जरूरत पड़ती है। तो ये कॉमन बटन है जो लगभग हर फॉर्म पर होने चाहिए। चलिए हमारा फॉर्म डिज़ाइन बिल्कुल बन के रेडी है, जिसमें स्टूडेंट का के डेटाबेस के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बॉक्स, कम्बो बॉक्स, लेबल, ADO DC, डेटा ग्रिड और 6-7 बटन जो है बन के रेडी है। बट अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें कोड नहीं हुआ है।
कोड करने के लिए कनेक्टिविटी एंड कोडिंग दोनों प्रोसीजर्स को हमको फॉलो करना होगा। तो फॉर्म डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। फॉर्म डिज़ाइन आप इस तरीके से कर सकते हैं, अगर डेटाबेस आपके पास है तो डेटाबेस के अकॉर्डिंग ही फॉर्म डिज़ाइन होता है। अगर डेटाबेस रेडी नहीं है तो फॉर्म डिज़ाइन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। चलिए कोडिंग करते हैं। क्लोज बटन की कोडिंग है अनलोड मी, ताकि वो फॉर्म जो है वो अनलोड हो जाए। ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी आप क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म जो है वो अनलोड होकर के हट जाएगा। चलिए कनेक्टिविटी करते हैं। कनेक्टिविटी करने के लिए आपको HTTPC पे राइट क्लिक करके बिल्ड पे क्लिक करना है। देन आपको प्रोवाइडर Z.4, क्योंकि हम एक्सेस से कनेक्टिविटी कर रहे हैं इसलिए उसको सेलेक्ट करना है। देन डेटाबेस सेलेक्ट करना है। ये कनेक्टिविटी का प्रोसीजर आप यूनिट नंबर 5 में पढ़े होंगे। हमने अपना डेटाबेस सेलेक्ट किया और यहाँ पर टेस्ट कनेक्शन करते हैं। हमारी कनेक्टिविटी यहाँ पर सक्सीडेड हो गई है, यानी कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी आपको। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग के द्वारा आप इस कनेक्शन स्ट्रिंग को आप अपने कोड में या फिर HTTPC के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये कनेक्शन स्ट्रिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसमें थोड़ी छोटी सी भी मिस्टेक होने पर कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। अगला स्टेप होता है हमारा रिकॉर्ड सोर्स सेलेक्ट करना। हम टेबल के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबल है तो स्टूडेंट टेबल को मैंने सेलेक्ट किया। स्टूडेंट टेबल सेलेक्ट करने के बाद देन ये कनेक्टिविटी हो गई है, बट अभी डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी होने के बावजूद भी डेटा डिस्प्ले नहीं होता। जब तक आप बाइंडिंग नहीं करते, बाइंडिंग करने के लिए आपको डेटा सोर्स सेलेक्ट करना होगा, तभी डेटा वो डिस्प्ले वहाँ पर होगा। अब ये देखिए आपका कनेक्टिविटी हो गई है प्रॉपर। फॉर्म को रन करते ही लॉगिन फॉर्म आया, देन यूज़र नेम पासवर्ड देते ही MDI फॉर्म, देन ये आया आपका डेटा जो है कनेक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी भी आपकी कंप्लीट हो गई है। कनेक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद आपका ये जो डेटा है जो आपके डेटाबेस में था पूरी तरह से फॉर्म पर पहुँच गया है और डेटा ग्रिड के थ्रू उसको दिखाया जा रहा है। कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाने के बाद आप चाहें तो इसको टेक्स्ट बॉक्स से भी बाइंड कर सकते हैं, ताकि न्यू रिकॉर्ड को ऐड किया जा सके। और फॉर्म की हाइट, वेट, ये सब आप अपने हिसाब से, स्क्रीन के हिसाब से उनका उसको सेट कर सकते हैं। वो पूरी तरीके से यूज़र डिफाइंड होता है, आपके ऊपर है, आपको जैसा सेट करना है वैसे सेट करिए। HTTPC आप चाहते हैं तो उसको विजिबल को फॉल्स करके छुपा सकते हैं, ताकि HTTPC कंट्रोल दिखाई ना दे और यूज़र को जो कनेक्टिविटी का प्रोसीजर जो है एंड यूज़र को दिखाई ना दे। ये आप देख रहे हैं कि HTTPC अपना वर्क तो कर रहा है बट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आपका फॉर्म डिज़ाइन यहाँ पर बल्कि रेडी है, बट टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू अभी भी आना बाकी है। तो ये अगला जो प्रोसीजर होता है जिसको हम बाइंडिंग बोलते हैं, वो बाइंडिंग करेंगे हम टेक्स्ट बॉक्स और कम्बो बॉक्स से। इन सभी फील्ड्स को कनेक्ट करना है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पर एक नया डेटा ऐड करके दिखाता हूँ कि इसका क्या इफेक्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडेंट ID दिया, नेम दिया, देन क्लास आप यहाँ पर दे सकते हैं, देन जेंडर, फादर्स नेम, एफ नेम जो है वो शॉर्ट में लिखा गया है, देन एड्रेस, और ये एक डमी मोबाइल नंबर मैंने एंटर कर दिया है। 105 डेटा हमने जो ऐड किया है उसको हम देखेंगे कि फॉर्म पर क्या इफेक्ट आता है। नेक्स्ट टाइम से जब फॉर्म लोड होगा अब देखेंगे कि 105 वाला डेटा भी यहाँ पर लोड हो गया है। तो इस तरीके से डेटा ग्रिड में चेंजेस आते हैं। अगर डेटा बेस में चेंजेस आए और डेटा ग्रिड में चेंजेस करने से डेटा बेस में भी चेंजेस आता है, दोनों तरफ से काम होता है यहाँ पर। चलिए ऐड बटन की कोडिंग हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये ऐड बटन की कोडिंग है जिसमें हम रिकॉर्ड सेट डॉट ऐड न्यू लिखते ही एक ब्लैंक रिकॉर्ड ऐड होती है। देन आप यहाँ पर एक मैसेज दे सकते हैं, ऐसे ही सेव की कोड आप कर सकते हैं, देन अपडेट का कोड आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप कोड यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कोड कर दिया। देन डिलीट का कोड भी बहुत सिंपल है कि HTTPC1.recordset.delete। प्रिंट के लिए हमें डेटा रिपोर्ट बनानी होगी, तो प्रिंट को छोड़ के लगभग सारे बटन्स का कोड हम यहाँ पर कर चुके हैं। लेकिन ये कोड तब तक काम नहीं करेगा जब तक हमने बाइंडिंग नहीं की है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बाइंडिंग ना हो पाने की वजह से यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे
तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो अगला जो हमारा प्रोसीजर है कि हम बाइंड करें उसको, तो बाइंड करने का प्रोसीजर आप देखेंगे कि एक एक कंपोनेंट को हमको बाइंड करना होगा। जैसे मैं पहले को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद आप इसका डेटा सोर्स सेलेक्ट करेंगे। डेटा सोर्स सेलेक्ट करते ही आपको ADODC 1 यहाँ पर डेटा सोर्स दिखाई देगा, क्योंकि ADODC के थ्रू ही डेटा आना का है। ADODC के थ्रू डेटा आने के बाद हम यहाँ पर डेटा का फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फील्ड सेलेक्ट करते ही ये जो है पहला टेक्स्ट बॉक्स जो है वो बाइंड हो जाएगा। देन इसी तरीके से हम सारे टेक्स्ट बॉक्सेस में डेटा सोर्स एंड डेटा फील्ड सेलेक्ट करते जाएंगे। अब देखिए मैंने अब सेलेक्ट किया हुआ है, पूरा बाइंड होने के बाद अब देखिए ये डेटा जो है पूरा का पूरा फॉर्म पर भी आने लग गया है, और ये जो है अब सारे बटन्स एक फॉर्म बन के रेडी है। इसका एग्जीक्यूशन आप देख पा रहे हैं कि डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो मैं आपको पहले बता दूं कि फॉर्म डिज़ाइन, डेटाबेस कनेक्टिविटी, बाइंडिंग और कोडिंग का सारा प्रोसीजर एक फॉर्म के लिए यहाँ पर रेडी है। इसी प्रकार से आपके पास जितने भी फॉर्म्स हैं उनके लिए आप ये सारे प्रोसीजर्स को रेडी कर सकते हैं। तो ये मैंने एक फॉर्म पे डेटाबेस कनेक्टिविटी, कोडिंग और ये पूरा एग्जीक्यूशन देखिए शुरू से 1 2 3 एंड उसका पासवर्ड देते बाद MDI आया। MDI के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कनेक्शन कनेक्टिविटी के बाद यहाँ पर ब्लैंक रो आएगी, ऐड पे बटन पे क्लिक करते ही, और आप नए रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ये ब्लैंक रो है, आप जब भी टेक्स्ट बॉक्स में डिटेल्स आप यहाँ एंटर करेंगे तो ये रिकॉर्ड्स जो है वो वहाँ पर सेव हो जाएंगे, और इस तरीके से आप सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। आप देखिए आपका रिकॉर्ड डेटाबेस में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेटा जो है अपना फॉर्म पूरा एक रेडी हो गया है, क्लियर है। अब वैलिडेशन के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि मैक्स लेंथ के द्वारा मैं यहाँ पर वैलिडेशन दे सकते हैं, ताकि 10 डिजिट से ज़्यादा वो डेटा ना ले। मोबाइल नंबर चूँकि 10 डिजिट्स का होता है, तो ये मैंने वैलिडेशन का कोड कर रखा है ताकि ब्लैंक रिकॉर्ड जो है वो ना ले। सिंपल इफ एल्स का स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स जो है ब्लैंक है तो वो एग्जिट सब, यानी कि वो जो सब प्रोसीजर है उसको एग्जिट कर देगा। ये वैलिडेशन का कोड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसको जब मैं एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ कि लॉगिन होने के बाद आप एक ब्लैंक डेटा छोड़ देते हैं, देन सेव या अपडेट या डिलीट करेंगे तो इस तरीके से आपको वैलिडेशन के थ्रू मैसेज आएगा कि अगला देखते हैं कि डेटा रिपोर्ट यानी कि प्रिंट बटन का कोड कैसे करना है। इसके लिए हमें दो कंपोनेंट्स ऐड करने होंगे, डेटा एनवायरनमेंट और डेटा रिपोर्ट। आपको पता होना चाहिए कि डेटा रिपोर्ट में 5 या 7 अलग अलग सेक्शंस होते हैं, किस सेक्शन का क्या काम होता है इसके लिए डिटेल्ड वीडियो जो है वो डेटा रिपोर्ट के साथ दी हुई है। तो डेटा रिपोर्ट तैयार करते हैं, इसमें भी सेम कनेक्शन स्ट्रिंग हमको जनरेट करना होता है। इसके लिए Z4.0 और आपका डेटाबेस यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, देन कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट हो गई और कनेक्शन सक्सीड हो गया है। ये प्रोसीजर आपका कंपलसरी होना है। उसके बाद आप राइट क्लिक करके ऐड कमांड पे क्लिक करेंगे, ऐड कमांड में फिर प्रॉपर्टीज पे जा करके आप इसमें प्रोसीजर या रिकॉर्ड सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। डेटा सोर्स में हम टेबल लेंगे क्योंकि टेबल से कनेक्टिविटी हो रही है, और अपने टेबल का नाम जो कि स्टूडेंट है हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अप्लाई करते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डेटा का फील्ड है वो आपको यहाँ पर दिखने लग गया। ऐसे करके हम सारे कमांड्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसको उठा के हमें डेटा सेक्शन पे ले आना है, बहुत ही सिंपल है। और डेटा सेक्शन पे लाते ही आप देखेंगे कि हर चीज़ों के साथ साथ दो, हर फील्ड के लिए दो दो चीज़ें जो है वो आएंगी आपके पास। एक होगा लेबल जो कि आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं, लेबल्स को आपको ऊपर ग्रुप कर देना है। देन आपको जो टेक्स्ट बॉक्स है ये आप देख पा रहे हैं कि लेबल्स है, सारे लेबल्स जो है लेफ्ट साइड में दिखाई देंगे, उनको आपको क्या करना है कि टॉप में ग्रुप करना है। देन सारे कमांड्स को जो नीचे जो टेक्स्ट हैं उनको नीचे अरेंज कर देना है। इस तरीके से आप अरेंज करेंगे। रिपोर्ट्स की डिज़ाइन भी पूरी तरीके से यूज़र डिफाइंड होती है, और इसको आप इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं। देखिए इसको मैंने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद फॉन्ट, उनका कलर, साइज वगैरह ये सब चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ब्यूटिफिकेशन का काम भी आप कर सकते हैं, उनका हेडर दे सकते हैं। मैंने उनका जो है
पूरा फॉर्म रिपोर्ट जो है डिज़ाइन कर ली है। देन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि उनका रिकॉर्ड सोर्स सेलेक्ट करना, ये स्टेप लगभग सब लोग भूल जाते हैं, इसलिए इनवैलिड डेटा सोर्स नाम का एरर भी आता है। रिकॉर्ड सोर्स सेलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर MDI फॉर्म पे हम रिपोर्ट में स्टूडेंट रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे डेटा रिपोर्ट 1.show, डेटा रिपोर्ट जो आपने बनाया है उसको शो करना है, और इसी को आप प्रिंट बटन पे भी शो करा सकते हैं। ये डेटा रिपोर्ट 1 है, इसको शो करेगा, यहाँ पर डिटेल सेक्शन में अपने आप डेटा जो है वो फिल होके आता है। तो ये हमारा डेटा रिपोर्ट जो है बन के रेडी है। इसको मैक्सिमाइज कर दिया हमने ताकि ये फुल स्क्रीन पर आए, और इसको सेव भी कर लेते हैं। आपको याद होना चाहिए जितने भी फॉर्म्स हैं वो सब अलग अलग फाइल में स्टोर होते हैं, सेव होते हैं। तो हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और डेटा रिपोर्ट को देखते हैं किस तरीके से वो दिखाई देते हैं। तो ये हमारा फॉर्म रेडी हो गया, ये फॉर्म है हमारा। देन ये हम इसको क्लोज करते हैं और रिपोर्ट में गए, स्टूडेंट सेक्शन में गए, तो ये सॉरी स्टूडेंट रिपोर्ट में गए, हमारा जो डेटा है वो इस फॉर्म पे, हमने जो भी डिज़ाइन रखा था उस फॉर्म पे वो आ गया। और हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, जूम करके भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना फॉर्म डिज़ाइन वगैरह वगैरह और डेटा रिपोर्ट्स जो है अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं। इस डेटा रिपोर्ट को आप अपने फॉर्म पे भी डायरेक्टली मल्टीपल टाइम्स भी प्रिंट करा सकते हैं। इस तरीके से आपका रिपोर्ट यहाँ पर रेडी हो गया है।